हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो क्लीनअप के ऊपर है, जिसमें कि आप लोगों को पता है हमारी क्लासेस चल रही हैं पार्लर कोर्स की। तो आज की हमारी क्लास क्लीनअप के ऊपर है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे क्लीनअप कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, किसको करवाना चाहिए। और आज के जो हमारा क्लीनअप है वो हमारे स्टूडेंट्स में से ही एक स्टूडेंट करके दिखाएगा आपको क्लीनअप कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्लीनअप करने जा रहे हैं, इनकी स्किन नॉर्मल है, तो नॉर्मल टू ड्राई, थोड़ी सी अभी ड्राई हो रही है इनकी स्किन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज का जो हमारा क्लीनअप है वो लोटस ब्रांड का है। तो लोटस ब्रांड का हम लोग हाइड्रा वाइटल्स नाम से इसका क्लींज़र आता है, सबसे पहले हम लोग ये यूज़ करेंगे हाइड्रा वाइटल्स क्लींज़र। तो क्लीनअप में जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है फेस की क्लींजिंग करना। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिज़ायर या हम लोग स्किन के अकॉर्डिंग जो सेकंड प्रोसेस होता है वो हम करते हैं, क्रीम मसाज करते हैं, स्क्रब करते हैं या जेल मसाज करते हैं। तो क्लीनअप क्या चीज़ होती है, क्लीनअप होता है फेशियल का हाफ पार्ट। तो हाफ एन आवर का ये प्रोसेस रहता है, हाफ एन आवर में हम लोग तीन प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्लींजिंग हमारा रहेगा ही, लास्ट हमारा पैक रहेगा ही। बीच के जो स्टेप है हम लोग अकॉर्डिंग टू स्किन या जो भी उनको प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर, या क्लाइंट अगर चाहता है कि हमें क्रीम मसाज करानी है, हमें ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, या अगर उनके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ज़्यादा है तो हम लोग स्क्रब की मसाज दे सकते हैं, या स्किन ज़्यादा ऑयली है तो हम लोग जेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीन हमारे ये मतलब हमारे पास तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं जो हम मिड में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो रहेगा क्लींजिंग का, जिसकी हम लोग 5 to 7 मिनट फेस पर मसाज करेंगे लाइट हैंड से विथ फिंगर्स का ज़्यादा मूवमेंट रहेगा इसमें। हम लोग पाम का यूज़ कम करेंगे, अगर करेंगे भी तो बहुत हल्के हाथ से ही उसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग शुरू करते हैं क्लींजिंग का, और इस दौरान अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो स्टूडेंट्स करेंगे और हम उसका रिप्लाई कर देंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। दीदी, क्लीनअप और फेशियल में क्या डिफरेंस है? वैसे तो मैं ये भी डिफरेंस बता चुकी हूँ, फिर से आपको बता देती हूँ। फेशियल जो होता है वो 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम जो किट में पूरे स्टेप्स आते हैं पूरे स्टेप्स को हमको कंटिन्यू करने होते हैं। और लेकिन जो क्लीनअप होता है वो हाफ एन आवर का प्रोसेस होता है। ज़्यादातर ये जो क्लीनअप होता है ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपनी स्किन पे कोई काम करवाने वाली होती हैं। या हम लोग ब्राइड्स को इसकी सिटिंग दे सकते हैं, क्योंकि हमें ब्राइड की स्किन का पता लगाना होता है कि ये ब्राइड पहली बार अपने फेस पे मसाज ले रही है, तो हम उसकी टाइमिंग कम रखते हैं। जो टाइमिंग कम रखने वाला प्रोसेस होता है वो होता है क्लीनअप। क्लीनअप एक प्रोसेस होता है जिससे हमको पता लग जाता है कि क्लाइंट की स्किन पर कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। अगर हम पूरा फेशियल दे देंगे तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लीनअप की सिटिंग देते हैं, ताकि जो उनको प्रॉब्लम हो रही है वो पता लग जाए। और ये कितने दिनों में करवाना चाहिए? क्लीनअप आप लोग 15 days, 20 days के गैप से सिटिंग को दे सकते हैं। अगर हम जब ब्राइडल सिटिंग बनाते हैं ना, तो तब हम लोग इसको 20 days के गैप से 2 बार देते हैं। और वैसे आपकी इच्छा होती है कभी भी ले सकते हो, क्लीनअप में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम पर किसी भी एज के लोग इसको करवा सकते हैं। क्लींजिंग करते समय हम लोग ज़्यादा यूज़ फिंगर्स का करते हैं, बहुत, क्योंकि हमें एब्जॉर्वेशन नहीं करना। जो क्लींजिंग होती है वो फेस को क्लीन करने का काम करती है, जो ऊपरी लेयर पे हमें वर्क करना है, हमारी जो स्किन पे जो चीज़ें लग रही हैं, ज़्यादा डीप मसाज नहीं देते हैं ना, जो हमारी स्किन पे अगर कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है या हम लोगों को जैसे बाहर से आए हैं डस्ट डर्ट लगी हुई है, तो उसको रिमूव करने का काम क्लींजिंग करती है, जिसको कि हम बहुत लाइट हैंड से करते हैं और ऊपरी लेयर को कंप्लीट मतलब क्लीन कर देते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से इसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए स्किन के अंदर। जब भी आपका हाथ ड्राई हो तब आप वाटर या जो होता है अपना रोज़ वाटर उसका यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लींजिंग आप लोग 5 to 7 मिनट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस, हमें ये आधे घंटे में कंप्लीट करना है जो हमारा ये क्लीनअप है। तो 10 मिनट तो हमारा पैक लगता है लास्ट वाला, और 7 मिनट तक 5 to 7 मिनट हम लोग करते हैं इसमें क्लींजिंग।
और जो बीच का जो समय रह जाता है, अगर हम स्क्रब कर रहे हैं तो हमें 7 to 10 minutes स्क्रब करना है। अगर हम जेल मसाज कर रहे हैं तो हम लोग 10 minutes की दे सकते हैं, और अगर हम लोग क्रीम मसाज कर रहे हैं तो हम लोग 15 minutes कर सकते हैं आराम से क्रीम मसाज। तीनों में से एक मसाज करनी बीच में? हाँ, एक ही करनी है। हाँ, अकॉर्डिंग टू स्किन, अगर ऑयली स्किन है तो आप जेल की मसाज करेंगे, अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है क्लाइंट के तब आप लोग स्क्रब चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं, अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है तो स्क्रब का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि स्क्रब में जो होते हैं दाने दाने से होते हैं, वो अगर स्किन पर लगते हैं सेंसिटिव स्किन पर तो रेडनेस ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सेस में ड्राई स्किन है तब आप लोग क्रीम की मसाज देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस हो और आप लोग पूछना चाहते हो कि क्लीनअप कैसे करना है, या आपको कोई भी इसके लिए कुछ भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग क्लीनअप स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसा कई बार होता है कि हम लोग क्लीनअप स्टार्ट कर देते हैं, फेशियल स्टार्ट कर देते हैं, तो बीच में क्लाइंट बोलता है कि आप हमारे ब्लीच भी कर दो। तो ब्लीच हम लोग कब कर सकते हैं? जब हम लोग फेशियल कर रहे हैं तो ब्लीच हम लोग आफ्टर स्क्रब करेंगे। अगर हम लोग क्लीनअप कर रहे हैं, क्लिंजिंग हो चुकी है, तो आप लोग ब्लीच आफ्टर क्लिंजिंग कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग ब्लीच करते हैं तो पहले क्लिंजिंग का प्रोसेस रहता ही है। तो तब आप लोग क्लिंजिंग करने के बाद ब्लीच की एप्लीकेशन कर सकते हैं, या वो डिटैनिंग भी कराना चाहें तब भी आप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा क्लिंजिंग का प्रोसेस था 5 to 7 minutes का, वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम लोग वेट टिश्यू से फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे। इस तरीके से हल्के हाथ से हम लोग फेस को टॉवल से थोड़ा सुखा देंगे, क्योंकि आप लोग जब भी क्लीन करते हैं तो फेस थोड़ा गीला हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग का सेकंड स्टेप है हमारा फेस पर कि हम लोग या तो इनके स्क्रब करें, या हम लोग क्रीम की मसाज करें, या जेल की मसाज करें। तो जेल की मसाज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई में आती है और इनको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे इस समय, स्क्रब का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा स्क्रब। ये स्क्रब फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, लोटस ब्रांड का ओट मिल स्क्रब है। तो ये हम लोग अब लेंगे इनके लिए। सेवन टू टेन मिनट हम लोग स्क्रब की मसाज देंगे, और स्क्रब की जो मसाज होगी बहुत ही हल्के हाथ से होगी। जब भी हम लोग स्क्रब करेंगे तो आईज एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग आइस के ऊपर से हैंड लेके जाएंगे तो हम प्रेशर नहीं देंगे, ऊपर की साइड से ले जाएंगे। स्क्रब मसाज करते समय हम लोग ये ऊपरी लेयर पे ही काम करेंगे, इसको भी हमें एब्जॉर्ब नहीं करना, तो इसलिए हम लोग बार बार हाथ को गीला करेंगे जब भी ये ड्राई होगा। जब हम लोग क्रीम मसाज करते हैं किसी क्लाइंट के, तब हम लोग पानी का यूज़ कम करेंगे, क्योंकि ड्राई स्किन होगी, हमें क्रीम का एब्जॉर्वेशन कराना है, इसलिए उस समय हम लोग पानी का यूज़ बहुत कम करेंगे। आफ्टर स्क्रबिंग हम लोग वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम लोग फेस पर टोनिंग करेंगे। तो टोनिंग ये मैं लोटस ब्रांड की ही यूज़ कर रही हूँ, आप जिस भी ब्रांड का क्लीनअप करें, किसी भी ब्रांड का आप लोग टोनर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से डैप डैप करके आप लोग टोनिंग करेंगे फेस की। और लास्ट जो हमारा प्रोसेस रह गया है वो है पैक की एप्लीकेशन करना फेस पर।
तो फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि टोनर यूज़ क्यों किया जाता है। तो टोनर का यूज़ इसलिए किया जाता है जब भी हम लोग स्किन के ऊपर से वाइट हेड्स ब्लैकहेड्स को रिमूव करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रबिंग का प्रोसेस करते हैं, तो जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो उन ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि डस्ट और डर्ट जल्दी से फिर से फेस के अंदर ना जाए, हम लोग टोनिंग का यूज़ करते हैं। टोनिंग करनी बहुत नेसेसरी पार्ट है फेशियल में भी, क्लीनअप में भी। तो टोनिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पैक की एप्लीकेशन, जो कि हम लोटस ब्रांड का पैक लगाने जा रहे हैं इंस्टाफेयर के नाम से। इस तरीके से आप लोग जो पैक है उसको अलग से एक स्पैचुला पर या एक बाउल में ले लेंगे और ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पैक की एप्लीकेशन हो चुकी है। हम लोग क्लाइंट के रोज़ वाटर जो है वो आइस पे आई पैड लगाएंगे ताकि थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट रहे, और 10 मिनट के लिए हम लोग इस पैक को छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम लोग फेस को क्लीन करेंगे, जितना पैक है उसको हल्के हाथ से, मतलब हाथ को गीला करेंगे, थोड़ी सी मसाज करके इस पैक को रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हमने हाथों को गीला किया और फेस पर हम लोग एक मिनट की मसाज देंगे ताकि जहाँ भी पैक हमारा लगा हुआ है वहाँ से वो अपनी जगह से रिमूव हो जाए। इसके बाद हम लोग वेट टिश्यू से अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। इस तरीके से अच्छे से हम लोग फेस को क्लीन कर देंगे वेट टिश्यू से। इसमें हम लोग मॉइस्चराइजिंग करेंगे, जो कि मैं वैदिक लाइन का फिग एंड हनी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो क्लीनअप का कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।